हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडी। आज हम स्विचगियर रेटिंग का सिलेक्शन कैसे करते हैं फॉर ड्यूअल स्टार्टर, उसके बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक एस्टिमेशन शीट का वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं। मैंने वहां पे ब्यूम का सिलेक्शन में मेंशन किया हुआ था, 7.5 किलोवाट का स्विचगियर मैंने क्या क्या रेटिंग का लिया हुआ है। तो आज हम 7.5 किलोवाट ड्यूअल स्टार्टर के लिए MCB कॉन्टेक्टर फ्यूज ओवरलोड रिले का सिलेक्शन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कॉलेज में कि किलोवाट इज इक्वल टू √3 VI cos φ, और HP में अगर आपको पता है तो HP का फॉर्मूला है √3 VI cos φ / 746। फ्रेंड, ये बेसिक फॉर्मूला है, हमने ऑलरेडी इसको कॉलेज में पढ़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको किलोवाट में पता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, HP में पता है तो ये यूज़ करना है। और फ्रेंड, अगर आपको किलोवाट टू HP में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, मैं आपको बताना चाहूँगी। किलोवाट तो डिवाइड बाय 0.746 आप करेंगे तो आपको डायरेक्ट HP मिल जाएगा, और अगर HP को किलोवाट में करना है तो HP मल्टीप्लाई बाय 0.746 अगर आप करेंगे तो आपको किलोवाट में वैल्यू मिल जाएगी। तो ये फ्रेंड्स एक शॉर्टकट है, अगर आपको यूज़ करना हो, काम आता है कभी कभी कि हमें HP में रेटिंग पता है, किसी में नहीं पता है तो किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये डायरेक्टली आप फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली रेटिंग कन्वर्ट करके मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो किलोवाट है वे 7.5 किलोवाट है, ओके। एंड देन जो वोल्टेज है 415 वोल्ट है, एंड एम्पेयर रेटिंग हमें फाइंड करना है, और जो कॉस फाइव है फ्रेंड्स वो है पावर फैक्टर, जो मोस्टली 0.8 लेके कंसिडर करते हैं, पावर फैक्टर 0.9 नहीं हो पाता तो 0.8 लेके कैलकुलेशन किया जाता है, ओके। तो फिर हम इस बेस पे अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स हम इसको, तो किलोवाट में अगर अप्लाई किया मैंने तो यहाँ पे है 1.73 × 415 × 0.8 एंड देन एम्पेयर रेटिंग, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एम्पेयर रेटिंग निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे किलोवाट है, जो मैंने 7.5 किलोवाट है, 7.5 किलोवाट इंटू 1000 करूँगी मैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे जो किलोवाट है इसको वैट में कन्वर्ट किया है, इसलिए 7.5 × 1000 किया हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि पावर जो होता है वो वैट में कैलकुलेट किया जाता है, तो किलोवाट को वैट में किया हुआ है। तो डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा मेरा 1.73 × 415 × 0.8, ओके। देन फ्रेंड्स, उसके बाद मैं कैलकुलेशन करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 7500/57.436। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो होगी 13.05। फ्रेंड्स, ये मेरा फुल लोड करंट होगा, ओके। तो मुझे इस तरीके से मेरा एम्पेयर रेटिंग मिल गया है मोटर का फुल लोड करंट क्या होगा, ये है मेरा मोटर का फुल लोड करंट। तो फ्रेंड्स, अभी हमें इसका MCB का सिलेक्शन कैसे करना है, फ्यूज़ का कैसे करना है, उसके बारे में आपको बताऊंगी, ओके। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि जो MCB होता है वो 3 टाइप्स के आते हैं MCB में। MCB जो है वहाँ पे होते हैं B कर्व, C कर्व एंड D कर्व के जो MCB आते हैं वो ऐसे 3 टाइप्स के MCB मिलते हैं। तो उसका जो मैग्नेटिक सेटिंग होता है फ्रेंड्स, वो हर अलग अलग MCB का अलग अलग होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगी ताकि आपको सिलेक्शन कैसे किया जाता है वो अच्छे से समझ में आए, ओके। फ्रेंड्स, जो मोस्टली MCB यूज़ किया जाता है मोटर के लिए वो C टाइप का MCB यूज़ किया जाता है, और B और D के अलग अलग यूजर्स होते हैं। D का भी यूज़ मोटर में किया जाता है बट वो अलग एप्लीकेशन के लिए होता है, B का मोस्टली लाइटिंग के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पे जो सिलेक्शन करेंगे वो C कर्व के MCB के लिए करेंगे। फ्रेंड्स, जो MCB होता है उसका अलग अलग मैग्नेटिक सेटिंग होता है, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। जो C कर्व का होता है वो 5 to 10 times ऑफ फुल लोड करंट का होता है फ्रेंड्स। वो जो सी टाइप का जो MCB होता है 5 to 10 times ऑफ फुल लोड करंट तक का एम्पेयर रेटिंग झेल सकता है, उतना करंट स्टार्टिंग में ले सकता है, वो सी कर्व का है। देन अभी बी कर्व का जो होता है फ्रेंड्स वो 3 to 5 times होता है ऑफ फुल लोड करंट, ओके। देन जो डी कर्व होता है फ्रेंड्स वो होता है 10 to 20 times ऑफ फुल लोड करंट,
तो फ्रेंड्स जो ये सेटिंग जो दी हुई है ये जो होती है इस वजह से इसका प्राइस भी अलग अलग होता है सी और बी एंड डी कर्व का एमसीबी का, क्योंकि उसका जो करंट स्टार्टिंग में लेने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग एमसीबी के लिए अलग अलग होती है। तो जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, हम जो मोस्टली मोटर के लिए सी कर्व का यूज़ किया जाता है, तो हम सी कर्व के लिए सपोज 5 to 10 times मोटर का फुल लोड करंट है, तो हमें यहाँ पर मोटर का फुल लोड करंट मिल गया है। फ्रेंड्स जो ड्यूअल मोटर होता है वो स्टार्टिंग में अराउंड 8 to 10 times हायर करंट लेता है कंपेयर टू फुल लोड करंट। तो हमारा जो भी स्विचगियर होगा, जो भी एमसीबी हम प्रोटेक्टेड डिवाइस दे रहे हैं, वो स्टार्टिंग में अराउंड 8 to 10 times हायर करंट को तक रुकना चाहिए, ट्रिप ट्रिप नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो जो मोटर होगा स्टार्टिंग में कितना करंट लेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो फुल लोड करंट है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो हमें हमारा मोटर स्टार्टिंग में कितना करंट लेगा वो पता चल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट करके आपको बताती हूँ। 130.05 एम्पियर ये स्टार्टिंग में मेरा मोटर इतना करंट लेगा। तो फ्रेंड जैसे मैंने बताया कि हम मोटर के लिए सी कर्व टाइप का एमसीबी ले रहे हैं, तो सी कर्व एमसीबी सपोज मेरा 5 to 10 times फुल लोड करंट तक स्टैंड कर सकता है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा एमसीबी का रेटिंग निकालने के लिए मैं डिवाइड बाय 130.05 डिवाइड बाय 5 करूंगी। डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा 26.1 एम्पियर, ये मेरा होगा एमसीबी का रेटिंग। तो फ्रेंड्स जैसा आपको पता है कि ये जो मैंने निकाला है वो मेरे एमसीबी का रेटिंग है, बट जो एमसीबी जो स्टैंडर्ड एमसीबी आते हैं वो इस रेंज में नहीं आते हैं फ्रेंड्स। उसका स्टैंडर्ड रेंज है लाइक 25 एम्पियर आएगा, 32 आएगा, 63 आएगा, इस रेंज में एमसीबी आते हैं। तो हमारा जो 26 एम्पियर अगर आ रहा है तो हमारा जो एमसीबी का रेटिंग सिलेक्शन होगा वो उसके हायर साइड में ही कंसिडर किया जाता है। ओके, तो मेरा जो एमसीबी आएगा वो होगा 32 एम्पियर का एमसीबी मैं सेलेक्ट करूंगी। तो इस तरीके से मेरा एमसीबी का रेटिंग सेलेक्ट हो गया है। समटाइम बट 25 एम्पेयर का भी एमसीबी कुछ लोग सेलेक्ट करते हैं, ये डिपेंड ऑन आपका मोटर किस टाइप का है, किस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, उसके ऊपर भी हमारा रेटिंग चेंज होता है फ्रेंड्स। ओके, तो बट सेफर साइड के लिए कि हमारा मोटर कंटिन्यू ट्रिप ना हो, इसके लिए हम हायर साइड का एमसीबी सेलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक शॉर्टकट है, अगर आपको डायरेक्ट मोटर का फुल लोड करंट निकालना है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टिव डिवाइस का रेटिंग निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा किलोवाट है उसको इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा फुल लोड करंट मिल जाएगा। और फुल लोड करंट का जो डबल रेटिंग होता है, डबल इसको into 2 करेंगे तो हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टिव डिवाइस का रेटिंग ले सकते हैं। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने 7.5 किलोवाट के लिए निकाला है, तो 7.5 किलोवाट का होता है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर फुल लोड करंट आता है अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ। ओके, 15 का मैं डबल करती हूँ तो मेरा यहाँ पे आएगा 30 एम्पियर, 30 एम्पियर इन द सेंस मैं 32 एम्पियर का शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टिव डिवाइस ले सकती हूँ। ये फ्रेंड्स जस्ट मैंने बताया ताकि इंटरव्यू में आपको अगर पूछा जाए तो आप बहुत जल्दी इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट आपको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों इस तरीके से रेटिंग सिलेक्शन किया जाता है। फ्यूज़ के लिए भी फ्रेंड्स इसी तरीके से सिलेक्शन किया जाता है। फ्यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपको पता है कि फ्यूज़ जो होता है एक बार अगर उड़ गया तो हम वापस उसको यूज़ नहीं कर सकते, हमको रिप्लेस करना पड़ता है। तो फ्यूज़ जो होता है इसके लिए हम सीबी से भी हायर रेटिंग का कंसिडर किया जाता है। एमसीबी कैसा है, आप ट्रिप हो गया तो आपको फिर से उसको रीसेट कर सकते हैं मैनुअली जाके, बट फ्यूज़ हमें रिप्लेस करना पड़ता है तो वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है फ्रेंड्स। इसलिए फ्यूज़ का जब सिलेक्शन करते हैं वो थोड़ा कंपेयर टू एमसीबी ज़्यादा लिया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि ओवरलोड रिले का कैसे सिलेक्शन करना है और कॉन्टैक्टर का कैसे सिलेक्शन करना है। ओके फ्रेंड्स, जो ओवरलोड रिले होता है उसका रेटिंग ऑलवेज इक्वल टू फुल लोड करंट के हिसाब से लिया जाता है। उसका जो भी रेटिंग हम लेंगे वो हमारा जो फुल लोड करंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ था वो उसके इक्वल होना चाहिए। मेरा यहाँ पे 13 एम्पेयर आया है तो मेरा जो ओवरलोड रिले रहेगा वो 13 एम्पेयर का होगा, उसमें 13 एम्पेयर की सेटिंग होगी। फ्रेंड जो ओवरलोड रिले होता है वो हमेशा एक रेंज में नहीं आता, उसमें मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज इस तरीके से आता है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक ओवरलोड रिले की रेंज की एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि जो ओवरलोड रिले रहेगा
उसमें 7 to 10 एम्पियर इस तरीके के रेंज में आएगा, 9 to 13, 11 to 16 इस टाइप का रेंज होता है फ्रेंड्स। उस रेंज में हम हमारे फुल लोड रेटिंग जो भी आती है उसकी सेटिंग करते हैं। तो अभी हम इसको सिलेक्शन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मेरा 13 एम्पियर है, तो जो भी ओवरलोड होना चाहिए उसमें 13 एम्पियर की सेटिंग है, तो उसमें 13 एम्पियर कम से कम तो होना ही चाहिए। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 से 13 एम्पियर का है यहाँ पे, बट जो 13 एम्पियर है वो लास्ट रेंज है फ्रेंड्स, ये कट टू कट है। मे बी मेरा मोटर ज़्यादा करंट ले और वो ट्रिप होने लगे, तो मैं अगर 13 एम्पियर सेटिंग कर दूंगी और ट्रिप होगा तो आगे कोई रेंज नहीं होगी। इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम रेटिंग भी ओवरलोड का निकाला जाता है। तो फ्रेंड जो ओवरलोड रिले की मिनिमम रेटिंग सिलेक्शन होती है वो हमेशा फुल लोड करेंट का 70% लिया जाता है, फुल लोड करेंट इंटू 70% फॉर मिनिमम रेंज। तो हम यहाँ पे फुल लोड करेंट जो हमारा 13 एम्पियर आया हुआ है उसमें हम 70% निकालेंगे उसका, तो हमें मिलेगा इंटू 70%। तो हमें फ्रेंड्स देखेंगे कि हमें यहाँ पे मिला है 9.13 एम्पियर इज अ मिनिमम रेंज ऑफ ओवरलोड रिले। उसी प्रकार से अगर मैक्सिमम रेंज निकालना है हमें तो वो हमेशा फुल लोड करेंट का 120% लिया जाता है। तो 120% अगर निकालेंगे इसका तो हमें मिलेगा 13.05 × 120% ये देखिए फ्रेंड्स मुझे मिला है यहाँ पे 15.66 मुझे यहाँ पे मिला 15.66 एम्पियर। तो मेरा इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम रेटिंग मिल गया है। पर जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे मुझे 9 to 13 एम्पियर का ओवरलोड भी मिलता है, 11 to 16 का भी मिलता है, तो मैं कौन सा सेलेक्ट करूँगी, जो मेरा इससे नियर बाय रहेगा वो मैं सेलेक्ट करूँगी। जैसे कि 9 एम्पियर है, ये 9 एम्पियर तो दे रहा है मुझे, बट जैसा मैंने बोला मेरा फुल लोड करें 13 है, तो मैं 9 to 13 अगर लेती हूँ तो ये कट टू कट हो जाएगा, वो मे बी इससे ज़्यादा थोड़ा करंट लेके ट्रिप हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक बेटर सेफर साइड के लिए नेक्स्ट रेंज सेलेक्ट करूंगी जिसमें मैं 13 एम्पियर भी कवर हो। जैसे यहाँ पे है 11 to 16, 11 में आप 9 एम्पियर तो नहीं, लेकिन मिनिमम तो आपका 9 नहीं जाएगा, मैक्सिमम ही जाता है। तो हम मोस्टली फुल लोड करेंट और मैक्स रेटिंग के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि मेरा 11 से 16 है, क्योंकि मिनिमम सेटिंग तो हमें करना नहीं है, हमें मैक्सिमम लेके ही चलना है ताकि मेरा मोटर ट्रिप ना हो। तो इसलिए मेरा जो ओवरलोड रिले होगा वो मेरा होगा 11 से 16 एम्पियर का। फ्रेंड्स ये तो जैसे एग्जांपल था, अलग अलग स्विच गियर का अलग अलग रेंज आता है, मे बी इसके अलग डिफरेंट रेंज हो। 9 से 15 होता तो मैं 9 से 15 का रेंज भी सेलेक्ट कर सकती थी, ऐसा नहीं है कि यही 11 से 16 लेना है। अलग अलग स्विच गियर में अलग अलग रेंज होते हैं, बट हम इतना ध्यान रखते हैं कि जो हमारा फुल लोड करंट है उसे कट टू कट ना हो, थोड़ा मुझे मैक्सिमम 1-2 एम्पियर मिले। ओके, तो इस तरीके से ओवरलोड रिले का कैलकुलेशन किया जाता है फ्रेंड्स। अभी कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन कैसे होता है फ्रेंड्स, जो कॉन्टैक्टर होता है फ्रेंड्स वो भी इक्वल टू फुल लोड करेंट लिया जाता है। जैसे कि फुल लोड करेंट मेरा 13 एम्पियर है, कॉन्टैक्टर के भी रेंज आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि वो आता है 9 एम्पियर का आ गया, 12 एम्पियर का आता है, ओके 16 एम्पियर का आता है, 16 में भी मिले या किसी में ना मिले, 18 एम्पियर का आता है, 25 का आता है, 32, ये अलग अलग रेंज के आते हैं। ओके, तो मेरा जैसे कि यहाँ पे 13 एम्पियर का है, मेरा फुल लोड करंट 13 है, तो मैं 13 के आसपास जो भी होगा मेरा 16 एम्पियर, तो मैं 16 एम्पियर भी ले सकती हूँ अगर मुझे मेरे स्विचगियर में उस रेटिंग का अवेलेबल है। तो मैं 16 एम्पियर का भी ले सकती हूँ, अगर 18 का है रेट तो 18 का ले सकती हूँ। ओके, तो इस तरीके से कॉन्टैक्टर का फुल लोड करंट के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। और फ्रेंड जो एमपीसीबी होता है, एमपीसीबी आपको पता है एमपीसीबी में शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों ही मिक्स मॉड्यूल में आते हैं, तो एमपीसीबी जो सेलेक्ट किया जाता है शॉर्ट एंड ओवरलोड वाला, वो भी लाइक ओवरलोड रिले ही किया जाता है। मतलब आप ओवरलोड रिले जैसे आपने सेलेक्ट किया मिनिमम मैक्सिमम रेंज, उसी प्रकार से एमपीसीबी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड जैसे कि आप सोच सकते हैं कि जो फ्रेशर इंजीनियर है मे बी उनको ना पता हो, तो मैं बता दूं, जैसे कि आप सोचेंगे कि यहाँ पे एमसीबी जो मैंने सेलेक्ट किया है वो 32 एम्पियर का है, और जो मेरा ओवरलोड रिले है वो मैंने कट टू कट 11 से 16 लिया है, तो वो भी तो ट्रिप हो सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स जो
एमसीबी होता है वो होता है पिक सेंसिंग डिवाइस होता है, और जो ओवरलोड रिले होता है उसमें एक हीटिंग कॉइल होता है। तो जो एमसीबी होता है वो तुरंत हाई करंट को पिक करके ट्रिप करता है, बट ओवरलोड रिले कभी तुरंत ट्रिप नहीं होता। उसको ट्रिप होने के लिए उसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो हीट होता है, उसको हीट होने में टाइम लगता है कंटिन्यू। ज़्यादा करंट पास होगा तो वो हीट होने के बाद वो ट्रिप होता है, तब तक वो हमारा स्टार्टिंग करंट में से पास हो चुका रहता है तो वो ट्रिप नहीं होता। इसके लिए ओवरलोड रिले जो होता है वो फुल लोड करंट के इक्वल लिया जाता है, और एमसीबी हाई करंट का लिया जाता है ताकि वो तुरंत ट्रिप ना हो। ये एक मेजर डिफरेंस है ओवरलोड एंड एमसीबी के प्रोटेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।